नमस्कार, न्यूज़क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सत्यम। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पलवल में मुस्लिम युवक की हत्या, परिवार ने लगाया हेट क्राइम का आरोप। विपक्ष के विरोध के बीच लोकसभा में चुनाव सुधार बिल पास, टीएमसी ने किया समर्थन। फादर स्टेन स्वामी के दोस्त ने याचिका दायर कर उनके खिलाफ आरोप हटाने की मांग की। और कोरोना अपडेट में देश में पिछले दिन 6,563 नए मामले, ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 157 हुए। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा का पलवल जिले के रसूलपुर का रहने वाला 22 साल का लड़का राहुल खान। राहुल 14 दिसंबर को अपने तीन दोस्तों कलुआ, आकाश और विशाल के साथ अपने घर से निकला, मगर कभी वापस नहीं आया। मकतूब मीडिया में छपी रिपोर्ट के अनुसार राहुल के दोस्त कलुआ ने 14 दिसंबर को राहुल के जीजा अकरम को फोन किया और राहुल के एक्सीडेंट की बात बताई। राहुल के परिवार वालों ने चांदहाट थाने में एक्सीडेंट का मामला दर्ज करवाया, मगर अगले दिन 15 दिसंबर को उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो दिखा जिसमें राहुल को बेरहमी से पीटा जा रहा था। परिवार के वीडियो और पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने इसे हत्या माना है। पुलिस ने बताया कि तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है और वे न्यायिक हिरासत में हैं। यूट्यूब चैनल एटीवी हरियाणा के एक वीडियो में राहुल की बहन रोते रोते कह रही हैं कि मेरे भाई को सिगरेटों से जलाया, उसे पीटा, पैर के बीच सरिया घुसा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला है कि उन्हें 18 गंभीर चोटें आई हैं। बहन साइना ने कहा कि मरने से पहले राहुल ने बताया था कि कलुआ सहित कुल 5 लोगों ने उसे बेरहमी से पीटा था। परिवार का मानना है कि कलुआ ने जानबूझकर उन्हें फोन किया और इस घटना को एक्सीडेंट बताया ताकि वो खुद बच सके। मकतूब मीडिया से बात करते हुए अकरम ने यह बताया था कि वीडियो में राहुल के जो दोस्त थे वो उसे कह रहे थे कि तुम मुसलमान हो, हम हिंदू हैं और आज तू मरेगा। पुलिस इसे मोबाइल चोरी के ऊपर हुए विवाद की घटना बता रही है, मगर हरियाणा में सांप्रदायिक घटना के जो मामले हैं दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और कुछ ही महीने पहले मेवात में एक मुस्लिम जिन ट्रेनर की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। उस मामले में भी परिवार ने सांप्रदायिक हिंसा का आरोप लगाया तो था, मगर पुलिस ने उसके सांप्रदायिक एंगल से इनकार कर दिया था। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं संसद की। संसद का शीतकालीन सत्र जारी है और इस सत्र में 12 विपक्षी सांसद अभी तक निलंबित हैं। विपक्षी दल पिछले कुछ दिनों से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज कहा कि सरकार हमें सवाल करने और मुद्दे उठाने का मौका नहीं दे रही है। इसी सिलसिले में कल विपक्षी दलों के सांसद गांधी प्रतिमा से लेकर विजय चौक तक विरोध मार्च निकालेंगे और अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग करेंगे। वहीं सोमवार 20 दिसंबर को लोकसभा में विवादित चुनाव सुधार बिल भी पास कर दिया गया। तृणमूल कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया है। इस बिल के तहत वोटर आईडी को आधार कार्ड से जोड़ने की बात कही गई है और सरकार का कहना है कि इससे चुनावों में फर्जीवाड़ा कम होगा। 5 राज्यों में होने वाले चुनावों से ठीक पहले इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा, जहां से पास होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद इसे कानून बना दिया जाएगा। एल्गर परिषद मामले के आरोपी फादर स्टेन स्वामी की मौत के 5 महीने बाद उनके दोस्त फादर फ्रेजर मैस्केरेनेज ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। इस याचिका में स्टेन स्वामी पर लगे आरोपों को हटाने और उनकी हत्या की न्यायिक जांच करने की मांग की गई है। फादर फ्रेजर सेंट पीटर चर्च के पादरी हैं और वे सेंट जेवियर्स कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल भी रह चुके हैं। आपको बता दें कि जब स्वामी तलोजा जेल में न्यायिक हिरासत में थे तब हाईकोर्ट की खंडपीठ ने महसूस किया था कि उनका स्वास्थ्य खराब हो चुका है और उन्हें दवा की जरूरत है। उन्हें होली फैमिली हॉस्पिटल ले जाया गया जहां वो कोरोना संक्रमित हुए थे और 84 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई थी। फादर फ्रेजर का कहना है कि स्वामी के खिलाफ जो आरोप हैं वो उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंगलुरु के बाहरी इलाके में एक जेसुइट संस्थान ने स्टेन स्वामी के नाम पर एक पार्क का नाम रखने की मांग की थी तो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और एबीवीपी जैसे संगठनों ने इस आधार पर विरोध किया था कि स्वामी को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था। और अंत में बात करेंगे कोरोना वायरस की। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में 24 घंटों में कोरोना के 6,563 नए मामले दर्ज किए गए हैं और इस बीच 132 मरीजों की मौत हुई है। साथ ही देश में ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या भी तेजी से बढ़ती जा रही है। देश में ओमिक्रॉन अब तक 12 राज्यों में फैल चुका है और पूरे देश में कुल 157 मामले इसके सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 54 मामले सामने आए हैं। वहीं दिल्ली में आज 4 और नए मामले आए, जिसके बाद यहाँ ओमिक्रॉन की संख्या जो है वो 26 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताज़ा जानकारी के अनुसार देश में कोरोना वैक्सीन की अब तक 137,67,00,000 से ज़्यादा डोज दी जा चुकी हैं, जिनमें से करीब 15,82,000 वैक्सीन की जो डोज हैं
वो पिछले 24 घंटों में दी गई हैं। न्यूज क्लिक के डेली राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही। हमारी बाकी खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाइए, हमको यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। देखने के लिए शुक्रिया।